आइए बच्चों, आपको कुछ एनसीईआरटी से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, और कुछ बच्चों से बचने के लिए भी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि उन बच्चों से बच के रहिएगा। एनसीईआरटीसी का पेपर 30 तारीख को आपका कंडक्ट हो रहा है, 30 अक्टूबर को, और याद रखिएगा 90 क्वेश्चन बोले हैं उन्होंने एडमिट कार्ड में। चाहे आपने जेई के लिए भरा हो, चाहे आपने टेक्नीशियन के लिए भरा हो, दोनों में 90 क्वेश्चन आएंगे, पर कितने टेक कितने नॉन टेक आएंगे ये बात उन्होंने नहीं करी हुई है। पर उन्होंने जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था तो उन्होंने सिलेबस भी रिलीज़ किया था, तब उन्होंने कहा था कि 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 टेक और 50 नॉन टेक होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए हम एडमिट कार्ड पर अप्लाई करें तो आधे आधे क्वेश्चन बांट लेते हैं कि मतलब आधे क्वेश्चन टेक आएंगे, आधे क्वेश्चन नॉन टेक आएंगे। तो 90 में से शायद 45, मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, जो उन्होंने नोटिफिकेशन का टाइम सिलेबस दिया था वही वाला। तो 90 क्वेश्चन का आधा 45 टेक, 45 नॉन टेक, एक बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे परेशान हैं ये सोच के कि सर कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। क्या होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है? तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये रैपिड मेट्रो का पूरा जो है पेपर है, मतलब रैपिड मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली। तो रैपिड मेट्रो में क्या है कि आपका जो दिल्ली गाज़ियाबाद या इधर दो चार उन्होंने लाइन दी थी नोटिफिकेशन में, दिया हुआ है कि इस रूट पर रैपिड मेट्रो बन रही है, तो वहाँ के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है, वहाँ पर बंदे चाहिए जेई और टेक्नीशियंस। तो अब मान लीजिए अगर आपकी क्या होगा कि जाहिर सी बात है वो आप पे 3 साल काम कर चुके होंगे और आपको इतना सिखा चुके होंगे, पैसे भी दे चुके होंगे, तो वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, बशर्ते कि अगर आप काम में मक्कारी नहीं कर रहे हो तो वो आपको कभी खुद से नहीं छोड़ना चाहेंगे। और रैपिड मेट्रो क्या एक बार बन गई तो ख़त्म हो जाएगी? नहीं भाई, आज इस रूट पर बन रही है तो कल किसी और रूट पर बनेगी, हो सकता है आगरा दिल्ली के लिए रैपिड मेट्रो बने, तो उन्हें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होंगे ना, तो आप जैसे बंदों को भी तो लिया जाएगा। तो देखिए मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि 90% चांसेस आते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, 95% चांसेस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि काम करे हुए बंदे को कभी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है कि जिसको काम आता हो। ठीक है, तो आगे जैसे और रूट्स पे मेट्रो डेवलप होंगी तो ऑब्वियसली आप ही को ही बुलाया जाएगा सब में से, एक बात। दूसरी बात, हम लोग वर्स्ट केस भी मान लेते हैं, तो ध्यान से समझिए, पहले आप पेपर निकालिए। पेपर आपका अभी 30 को है, मान लीजिए आपका हाथ में ऑफर लेटर आ जाता है अगले एक एक डेढ़ महीने में, आपके पास जिस दिन ऑफर लेटर हो ना उस दिन आप बिल्कुल कह दीजिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, मैं फाड़ के फेंक रहा हूँ इस ऑफर लेटर को, मैंने नहीं जाना। मतलब कहने का कि आप पहले पेपर तो निकालिए, अभी जो आपको पहले दिख रहा है आप पहली वो चीज़ तो करिए। अरे आपको नहीं जाना होगा, मत जाना, पर आपका मॉरल कितना बूस्ट होगा अगर आप पेपर निकाल लेंगे, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने पेपर तो निकाला था। कम से कम 4 लोगों को कह पाएंगे कि मैंने पेपर निकाला था, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ घर के। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, पहले अभी पहली चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, वो है आपकी पेपर निकालना, पेपर क्रैक करना। अब इसमें कुछ बच्चे क्या है, अरे यार तू छोड़ ना भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट जॉब है ना यार, छोड़ भाई इसको, ये बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। अब पता है वही बच्चे आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले पेपर देते हुए दिखेंगे, मतलब एग्जाम टाइम तक भी वो पढ़ रहे होंगे वहीं सेंटर पे ही। मैं बता दे रहा हूँ ऐसे बच्चों से खासकर बच के रहना। अरे भाई तुम उसको बोलो, हाँ भाई मेरे को मालूम है कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, मुझे मत ज्ञान दे भाई, सीधी सी बात है मुझे पेपर निकालने पे फोकस है, मेरा फोकस है पेपर निकालने, मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा जॉब ज्वाइन करने, वो मैं भाई कोई घर से कॉलर पकड़ के तो उठा के लेके नहीं जाएगा। ठीक है, घर से कॉलर पकड़ के उठा के लेके जाएगा क्या? तो भैया नहीं लेके जाएगा। तो जिस दिन ऑफर लेटर आए आप उसे जला दीजिएगा, सर्दियाँ आ रही हैं, हाथ ताप लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे खतरनाक बच्चों से बच के रहें जो आपको पल पल पर भटकाएंगे करके, याद रखिए इनसे भैया बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, ये आपको भ्रमित कर देंगे और खुद अपने रास्ते पे बने रहेंगे, ये बात ध्यान रखिए, ये खुद अपने रास्ते पे बने रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉब कहते रहेंगे और खुद भाई साहब दमदारी से पढ़ रहे होंगे कि भैया कुछ नौकरी तो मिले, नौकरी तो मिले सबसे पहले, अरे कॉन्ट्रैक्ट है, लोग परेशान है कि नौकरी तो मिले करके। तो आप पहले जॉब निकालिए, नहीं जाना हो बाद में मत जाना, आपकी चॉइस है, कोई घर से नहीं उठा के लेके जाएगा आपको भाई, ध्यान से समझिए इस चीज़ को और ध्यान से अप्लाई भी करिएगा। तो ठीक है बच्चे, अब आप लोगों की सुबह 7 बजे एनसीईआरटीसी की, बच्चे क्या चल रही है आपके एमसीक्यू सीरीज चल रही है सुबह एनसीईआरटीसी की, 7 बजे एमसीक्यू सीरीज चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिए इन बातों पर ध्यान दीजिएगा वरना पछताएंगे आप। ठीक है, अब आज ही हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बहुत हैवी कंसेप्ट्स किए हैं, न्यूमेरिकल किए हैं, डीसी मशीन के न्यूमेरिकल्स किए हैं हैवी, तो ध्यान से इस बात को कि आपका लेक्चर सुबह 7 बजे का मिस ना होने पाए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।